मेरे को लगता है आज की जनरेशन में लोगों को कमिटमेंट फोबिया है मेजर. क्यों है कमिटमेंट फोबिया आज की जनरेशन? ऑप्शंस बहुत है ना, मतलब मेरे को लगता है लोगों को लगता है टिंडर है तो शादी क्यों करनी है. अरे आपके लिए कुको एफएम एक नई पेशकश लाया है, और उसके पहले एपिसोड में हमारे साथ है रेफ्यूजी टर्न्ड एंटरप्रेन्योर टर्न्ड इन्फ्लुएंसर, दोगलापन के ओजी. मैं तेरा दोगलापन ना उतारता हूँ अब. शार्क टैंक को फेमस कराने वाले, प्लीज वेलकम गाइस अजमीर ग्रोवर. अजमीर, मैं कल आपका इंस्टाग्राम चेक कर रहा था क्योंकि यही लेवल ऑफ प्रिपरेशन आजकल लोग करते हैं इंटरव्यू से पहले. बट मैं देखा कि आप F1 ट्रैक पे थे ग्रेटर नोएडा के, तो क्या, वेयर डज दिस पैशन कम? ये भी बात लगी, बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें, बट वेयर डिड इट कम फ्रॉम दिस पैशन फॉर द F1 ट्रैक एंड कार्स एंड ऑल दैट? यार लाइफ में कुछ तो करोगे ही ना, मतलब मैं सूफी इंसान हूँ, सुट्टा भी नहीं मारता, दारू भी नहीं पीता, मतलब चाय कॉफ़ी भी नहीं पीता. हाँ ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो शौक पूरा करना है. राइट, तो इन जनरल गाड़ियों का शौक है यार, एंड जब पैसे नहीं थे तो छोटी गाड़ी चला के शौक पूरा करते थे. कौन सी थी पहली गाड़ी? कौन सी थी पहली गाड़ी जो मेरे पास थी? वो तो एक एम्बेसडर थी, मैंने गाड़ी चलानी एम्बेसडर पे सीखी है. तो ऊपर यहाँ पे गियर होता था, साइड वाले साइड वाला गियर होता था, तो एक ड्राइवर रखा था हमने. राइट, तो उसको मैं बोलता था यार सिखा दे गाड़ी चलाना, तो पैर भी नहीं पहुँचते थे तब तो बट ठीक है, गियर हाथ से करनी होती थी तो वो हो जाती थी. राइट, फिर बाद में एक मारुति 800 आई, फिर एक फीएट ऊनो करके आती थी गाड़ी, वो फीएट ऊनो. हाँ, यस. फिर एक ओपेल कोर्सा चलाई, फिर फोर्ड फिएस्टा, फिर करोला, फिर एक मर्क सी क्लास ली. Wow. So that was a big jump, right? Haan, like, Merc C-Class was a... Okay, you felt like, did you feel like you had arrived? Haan, lagta to aise tha, wo second hand hi thi, but theek hai, phir bhi arrival ki feeling to aati thi. Right. Uske baad, jo ek Audi li thi, Audi A6. That was the first hand, brand new car that I had taken. Uske baad, kaafi gaadiyan li, but ek pehle GLS li, Maybach li, phir Porsche li. Awesome. तो हाँ, इन जनरल गाड़ियों का शौक है, मतलब मेरे को भी याद है, मैं हैरान हूँ कि इतनी गाड़ियाँ याद भी है सीक्वेंशियल ऑर्डर में, बट समवेयर कहीं शौक होगा तभी याद है. जब पहली बार लगा कि काफ़ी पैसे बन गए, तब सबसे महंगी चीज़ कौन सी ली सबसे पहले? ये महंगी चीज़ तो घर ही लेता है इंसान. हाँ, अगर घर से ज़्यादा कोई महंगी चीज़ है तो तुम बहुत अय्याशी कर रहे हो, मतलब तो घर लेने के लिए लाइक हाउ वॉज दैट एक्सपीरियंस कि खुद का घर खरीद रहे हो? नहीं, ऐसे नहीं था यार, पहले घर खरीदे हुए थे बट छोटे घर थे वो. हाँ, तो एक ये बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, 10 करोड़ रुपए के करीब का घर खरीद रहा था. तो पहले रिसर्च बहुत करी, क्योंकि आपको ये लगता है कि नहीं यार इतने पैसे खर्च रहे हैं तो सही चीज़ लेनी है. तो मैंने कम से कम 50 घर देखे होंगे दिल्ली में, मतलब साउथ दिल्ली का हर ब्रोकर मेरे को जानता था, हर प्रॉपर्टी मेरे को पता थी उस रेंज की कि कौन तो सी आप है. वो बिजनेस में भी प्रोडक्ट मार्केट फिट तो ढूंढ ही लेते. प्रोडक्ट मार्केट ठीक है, वो कितने बिजनेस करोगे ऐसे, तो ऐसे कुछ भी देखो ऐसे लगता है इसको मैं बेटर कर लूँगा दूसरे बंदे से. बट हाँ, घर में ही सबसे ज़्यादा पैसे तो घर में ही खर्च होते हैं मेरे को लगता है, इंडियंस के इन जनरल. एब्सोल्युटली. तो जब मर्सिडीज़ खरीदी तब कैसा था एक्सपीरियंस, जब पहली बार मर्सिडीज़, आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ सब ने देखी होगी कि मतलब अश्नीर मर्सिडीज़ लेके आए, व्हाट वाज दैट फीलिंग लाइक? अच्छी फीलिंग होती है, मतलब आप अगर एक ब्रांड आप पहले एस्पायर करते थे फिर आपको मिल जाता है, तो यू ऑलवेज फील प्राउड एज पेरेंट्स, आपको एक प्राइड की फीलिंग होती है. राइट, बट हाँ, फिर वो आफ्टर वाइल वेयर आउट भी हो जाती है, फिर लगता है ठीक है ये तो आ गया. राइट, तो अब कुछ और करते हैं. मैं आपकी ऑडियो बुक सुन रहा था और मुझे पता चला कि आपके इन लॉज, फ्यूचर इन लॉज आपको रेफ्यूजी का लड़का ऐसा सब परसीव करते थे. राइट, हाँ जी. सो एक रेफ्यूजी के लड़के को इतनी बड़ी एम्बिशन कब से आने लगी? वॉट वर सम ऑफ दोज लीवर्स अर्ली इन योर एज जब आपको लगा कि नहीं मुझे कुछ बहुत बड़ा बनना है? नहीं यार, अगर सी आपको कहीं से तो इनर कॉलिंग आती है ना कि कुछ करना है बड़ा. एंड मेरे को लगता था कि जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तान से छोड़ के आए, तो उनके साथ कहीं पे अनजस्टिस हुआ. राइट, कि उनके पास काफ़ी लैंड्स थे वहाँ पे, बट यहाँ पे जब आए तो उनको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा. राइट, तो मेरे को लगा कि किसी ना किसी जनरेशन को तो अब एक बड़ी लीप लेनी पड़ेगी. Right. तो वो मेरे को जब मैं मालीनगर में रहता था, जो रिफ्यूजी कॉलोनी थी, आई थिंक वहीं से इनबिल्ट हो गया एक एस्पिरेशन कि कुछ बड़ा करना है.
कोई फिल्म देखी, कोई किताब पढ़ी जहाँ पे ये एम्बिशन टेंजिबल हुआ कि इस तरह की, इस तरह का बनना है मुझे? नहीं यार, कोई किताब, मैं किताबें पढ़ता ही नहीं हूँ मैंने कुल मिला के कुछ 5-6 नॉवल पढ़े होंगी लाइफ में, वो भी याद नहीं है मेरे को, नाम भी नहीं याद, ऑथर के नाम भी नहीं याद, तो बहुत ही सरप्राइजिंग है, खुद ऑथर बन गया मैं। हाँ एग्जैक्टली, बट किसी ने मेरे को पूछा भी था कि आप तो बोलते हो किताब पढ़ते नहीं हो, मैंने बोला ये थोड़ा बोला किताब लिखता नहीं हूँ फिर किसी ने पूछा कि आपने किताब, आप तो हिंदी हिंदी बोलते रहते हो, किताब आपने अंग्रेजी में लिख दी? राइट right. मैं बोला था मेरे को बोलने में हिंदी पसंद है, लिखने में अंग्रेजी पसंद है, ठीक है हाँ. तो लॉजिकल जवाब है हर चीज़ हाँ, तो वो चीज़ का सलूशन इसलिए हमने कुकू एफ एम में ये निकाला कि आपकी किताब को हम हिंदी ऑडियो बुक में रिलीज करें। मेरे को लगा डिमांड अच्छी थी उसकी, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आपने हिंदी में क्यों नहीं लिखी, तो मेरे को लगा कि चलो इनको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके ऑडियो बुक देते हैं सीधा। ये इंग्लिश और हिंदी का क्या वॉर चलते रहता है हमारे देश में? लाइक देर इज़ क्लियरली के ये जो हिंदी सीखे हुए हैं, इंग्लिश जिनको नहीं आती उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज सब जगह पे चैलेंज फील होता है। यार वो चैलेंज क्या है कि हम लोग ये समझते हैं कि एजुकेटेड बंदा तब है जब वो अंग्रेज़ी बोल रहा है, ठीक है, वो एजुकेशन और लैंग्वेज में डिफरेंस ही नहीं है कंट्री में, ठीक है, राइट। एंड जितना भी आपका हायर एजुकेशन भी होता है उसका मीडियम इंग्लिश ही होता है, तो आप इन जनरल लगता है अगर किसी की अंग्रेज़ी अच्छी है तो मतलब इसने हायर एजुकेशन भी कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रखी है, राइट। तो हिंदी बोलने वाले को ना या लोकल लैंग्वेज बोलने वाले को हम हल्के में लेते हैं, अंग्रेज़ी बोलने वाले को हम पढ़ा लिखा समझते हैं, वही चैलेंज है पूरा कंट्री में। तो कुछ आपको बदलते हुए दिख रहा है अभी विद टेक्नोलॉजी, विद इंटरनेट, आपको लगा है कि वो चेंज हुआ है कुछ? आई थिंक विद टेक्नोलॉजी तो लैंग्वेज इरेलेवेंट रह गई है ना, अब जो हमारी कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश में हिंदी है इन मोस्टली, मतलब अगर आप अपना व्हाट्सएप मैसेजेस देखोगे, राइट, ठीक है, किधर जा रहा है, KIDHAR, ठीक है, ये वर्ड्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने एक अपनी लैंग्वेज बना ली है, अपनी लैंग्वेज बना ली है जो कि सुनने में हिंदी होनी चाहिए, लिखने में इंग्लिश होनी चाहिए, राइट। तो वो तो वहाँ तो पहुँच ही गए हम, राइट। थोड़ा पीछे जाते हैं, IIT दिल्ली का पहला दिन कैसा था? IIT दिल्ली फर्स्ट डे यार काफ़ी रैगिंग वाला माहौल होता था। किस तरह की रैगिंग होती थी? यार देख मैं हॉस्टल में तो गया नहीं, हॉस्टल में तो बड़ी भयंकर वाली रैगिंग होती थी, पर एटलीस्ट मैं तो फीस जमा करने गया था अपने, क्योंकि मैं एक हॉस्टल से एसोसिएटेड था एज डे स्कॉलर, राइट, वहाँ की फ़ीस जमा करने गया था, वहीं मेरे को पकड़ लिया, मेरे को पूछने लगे तेरी हवा कितनी है, हवा का मतलब था ऑल इंडिया रैंक, मेरे को लगा यार बड़े ही खतरनाक लोग हैं, मतलब कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। बट मेरा एक दोस्त था वो हॉस्टल में था, वो शाम को मेरे को बोलता है एक दिन रुकने के बाद कि यार मेरे को वापस ले चल, यहाँ पे बड़ी रैगिंग होती है तो वो मेरे साथ घर आ गया वापस, फिर उसके पेरेंट्स उसको ले गए, तो उस टाइम पे रैगिंग काफ़ी होती थी। आपको कभी ऐसे रैगिंग के अगेंस्ट कुछ पुशबैक करने का मन नहीं हुआ? नहीं यार, मैं रेवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी बाद में बनी है, IIT के बाद बनी है? नहीं नहीं, मतलब सी मेरा कोई व्यू ही नहीं था रैगिंग पे, ठीक है हो रही है हो रही है, मेरे को उस टाइम डर लगता रहा रैगिंग से, तो मेरी नहीं हुई थैंकफुली, बट मेरे को, मैं ना वो क्या कहते हैं फालतू के मोर्चे उठाने वाला बंदा नहीं हूँ, ठीक है, कि भाई कुछ धंधा वंदा कर लो, कि ये एंटी रैगिंग एंटी बुलिंग ये सब ये जो धर्म के काम है ना ये मेरे से नहीं होते। समझ गया। ये IIT दिल्ली ने आपके करियर में क्या रोल प्ले किया आपके हिसाब से? यार आपके अंडरग्रेड तो काफ़ी क्रिटिकल है, आई थिंक आपका बेस वहीं से बनता है, एंड मैं काफ़ी मतलब इंजीनियरिंग काफ़ी पैशनेट था उसको लेके, इंजीनियरिंग को लेके, आज तक मेरे को लगता है मेरा जो बेस बना है, जो क्वांटिटेटिव माइंडसेट है, जो लॉजिकल माइंडसेट है, वो तो इंजीनियरिंग से ही बना है, तो हाँ मतलब इट हैज़ प्लेड अ क्रिटिकल रोल, अब वो कितना परसेंट रोल है मैं क्वान्टिफाई नहीं कर सकता वो, बट जहाँ से पढ़े हो उसकी उसका प्रभाव तो है ही आपके। काफ़ी लोग ऐसे भी बोलते हैं कि बैचमेट्स और जो नेटवर्क बिल्ड करते हो वो भी बहुत वैल्यूबल होता है, आपके माइंड में वो क्या ओवररेटेड चीज़ है? बहुत ओवररेटेड चीज़ है, मतलब इवेंचुअली अगर लोगों को आपसे वैल्यू लगती है या अगर उनको लगता है आपसे जुड़ने से वैल्यू निकलेगी तो आपसे वैसे भी जुड़ जाएंगे। मैं प्रॉब्ली नेटवर्किंग में सबसे वीक था, इनफैक्ट मैं पूरा IIM में भी जब था IIM में तो नेटवर्किंग की गेम ज़्यादा बड़ी है, IIT में फिर भी कम है, मेरे को हर बंदा पोस्ट ग्रेजुएट करने जाते ही है इन जनरल, राइट, बट IIM में बहुत नेटवर्किंग की गेम थी, मेरी नेटवर्किंग बहुत वीक थी, मतलब मैं किसी से बात करने से भी कतराता था, बट इवेंचुअली उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, उस टाइम आपको लग सकता है कि हाँ मेरी एक बेटर जॉब लग सकती थी या मैं डे ज़ीरो क्रैक कर लेता,
बट इन जनरल इन लाइफ अगर आप में लॉजिक है और आप वैल्यू की बात कर रहे हो राइट तो इंसान तो जुड़ ही जाता है आपके साथ. आईआईटी दिल्ली में कोई ऐसे दोस्त बनाए जो अभी भी बहुत क्लोज है जिनके साथ डीप रिलेशनशिप्स है? आईआईटी दिल्ली में दोस्त तो बनाए थे बट अभी जो पीछे इतने कांड हुए तो काफ़ी छूट गए तो मेरे को कहीं पे ना वो पेन लगता है. मैंने बहुत दोस्ती निभाई, मतलब 20 साल तक मैंने दोस्ती निभाई बट मेरे को ये लगा कि दे डिडंट स्टिक बाय. हाँ, दे डिडंट स्टिक बाय कि जब कुछ पब्लिक हो गया तो तुम शांत हो गए, तुम गायब हो गए. तो कहीं पे तुम डर गए ना, मतलब तुम्हारे लिए अपनी तुमको किससे एसोसिएट होना है बिकेम मोर इम्पोर्टेंट दैन कि यार ये तो तुम्हारा दोस्त ही है. राइट. तो जिसको तुम 20 साल से साथ लेके चल रहे थे उसको तुम एक पब्लिक चीज़ की वजह से छोड़ नहीं सकते, तो वो मेरे को थोड़ा पेन लगता है. अहमदाबाद में आप वॉज दैट द फर्स्ट टाइम आप अपने घर से निकल के अवे फ्रॉम होम पढ़ाई कर रहे थे? नहीं, इंटरेस्टिंगली अहमदाबाद से पहले मैं एक साल फ्रांस में था एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट. तो मैं जब घर से बाहर रहा तो मैं एक्चुअली कंट्री से बाहर रहा. तो वहाँ पे स्टूडेंट लाइफ कैसी थी फ्रांस में? फ्रांस में बहुत बढ़िया थी, मतलब पहले टाइम में फट नहीं गई कि मतलब यार ये कितने अलग अलग सब अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, पूरा कल्चर अलग है, खाने के प्रॉब्लम्स? एंड वही तो एक्सपीरियंस था बेसिकली. आपको फ्रेंच सीखनी थी तो मैं जब यहाँ से गया था मैंने 2 महीने तो सिर्फ फ्रेंच सीखी है. तब कॉलेज बंद था वहाँ पे भी बट वो सिर्फ लैंग्वेज की क्लासेस लेते थे. और जिस शहर में मैं रुका हुआ था उसका नाम था लियों, वो फ्रांस का सेकेंड लार्जेस्ट शहर है. राइट. बट बहुत ही सुंदर जगह है, एकदम शांत, मतलब पेरिस से बहुत डिफरेंट है कल्चरली भी. एंड बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, मतलब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट्स चीज़ें कैसे अप्रोच करते हैं, ये सब चीज़ें मतलब वहीं पे सीखने को मिली. तो लियों जाके अहमदाबाद आना कैसा लगा? अहमदाबाद भी अच्छा था यार कैंपस. आई एम अहमदाबाद काफ़ी अच्छा कैंपस है. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एरिया आईआईटी एंड आईएम्स आर ब्लेस्ड. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेटर हो सकता है बट इवन इन अहमदाबाद आई वॉज इन द न्यू कैंपस तो वहाँ के नए हॉस्टल बने हुए थे तो बढ़िया था. बट ऑफकोर्स फ्रांस वॉज अ वेरी वेरी डिफरेंट, पीपल वर डिफरेंट, मल्टी कल्चरल था. राइट. फ्रांस में खाना बहुत बढ़िया मिलता था, वी हैड चॉइस ऑफ 5 रेस्टोरेंट्स. आपने क्या नए डिशेज सीखे जब आप फ्रांस में थे? यार फ्रांस में तो बहुत ही अतरंगी डिशेज होते थे, मतलब क्या अतरंगी डिश कौन सी खाई थी आपने? फ्रॉग लेग्स. वाओ, ठीक है. कैसा टेस्ट करता है फ्रॉग लेग्स? अब कैसे टेस्ट करता है, कैसे डिस्क्राइब करूँ मतलब. बट और भी बहुत सारी चीज़ें, स्नेल वाले पिज्ज़ा. वाओ, पिज्ज़ा विद स्नेल टॉपिंग्स. और आई थिंक रैबिट मीट. वाओ, ये सब चीज़ें तो मतलब हॉस्टल के कैफेटेरिया में मिल जाती थी. हमारे हॉस्टल में दाल जो मिलती है उसमें दाल भी नहीं होती है. तो थोड़ा पहले यूज टू होने में टाइम लगा बिकॉज वहाँ पे आपको ना मसाले खाने की आदत होती है. या तो पहले थोड़ा आपका खाना बहुत ब्लैंड सा लगता है बट इवेंचुअली 4-5 रेस्टोरेंट थे एंड वी गॉट यूज टू इट. सबसे मुश्किल होती थी वो ब्रेड जो खाते हैं ना वो फ्रांस में, बगेत जिसको बोलते हैं. तो वो बगेत ना बहुत ही हार्ड ब्रेड होती है और हम इंडियंस को आदत होती है सॉफ्ट ब्रेड खाने की, सॉफ्ट ब्रेड, सॉफ्ट रोटी खाने की आदत होती है हमें. तो वो उसकी आदत डालना एक अलग चीज़ है बट जितना फीलिंग वो हार्ड ब्रेड है ना और एक बार आपको समझ आ जाए कि वो खाना कैसे है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. मुझे एक बात बताइए, IITs IIMs में जो अल्ट्रा कम्पिटिटिव एटमोसफियर होता है वो बेनिफिट करता है या हर्ट करता है फ्यूचर प्रोफेशनल को? कंपटीशन किस लिए है उसके उस पर डिपेंड करता है. मेरे को लगता है IIT का जो अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव एटमोसफियर है वो तो बेनिफिट ही करता है. क्योंकि मतलब अगर मैं अपने में बात भी करूँ, हम तो एंटरप्रेन्योर तो अपने बाकी बैचमेट्स को देख के एंटरप्रेन्योर बने हैं. राइट. ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम में कॉम्पिटिटिवनेस है कि यार ये मेरे से आगे कैसे निकल गया या ये तो मेरे नोट्स पढ़ के पास हुआ था, इसने इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर ली. तो वो पॉजिटिव तरीके से यूज़ होगी तो उसमें काफ़ी यूनिकॉर्न्स निकल के आई हैं. इनफैक्ट IIT दिल्ली से इतनी सारी यूनिकॉर्न्स हैं, आई थिंक 20-25 यूनिकॉर्न फाउंडर तो IIT दिल्ली के हैं जो मेरे को पता है. तो वो अच्छी बात है. IIM का कॉम्पिटिटिवनेस मेरे को अच्छा नहीं लगता था बिकॉज इट वॉज ओनली फॉर प्लेसमेंट्स. एंड ऑब्जेक्टिव ये था यार नौकरी लग जाए एंड लोग सिर्फ कॉम्पिटिटिव नौकरी लगाने के लिए होते थे. तो आई थिंक IIT की कॉम्पिटिटिवनेस इज मच मोर हेल्थियर इन दैट सेंस. सो अभी ना थोड़ा सा
आपकी लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहले जब आप एक यंग प्रोफेशनल थे तब आप कहाँ हॉलीडे करने जाते थे और अब कहाँ जाते हो? कहते मैं जब यंग प्रोफेशनल था मैं तब भी हॉलीडे करने इंडिया से बाहर ही जाता था। कुछ चेंज नहीं हुआ। ये तो आईआईटी आईएम वाले बच्चों की वाले यंग प्रोफेशनल की बात है। नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मैं जेनेरिक बात नहीं कर रहा। राइट। तो बट मैं इंडिया से बाहर ही जाता था बिकॉज मेरे को ये लगता है कि अगर आप 2-3 हफ्ते के लिए ब्रेक ले लो इंडिया से तो बहुत सही है, बिकॉज इंडिया में एक्टिविटी बहुत होती है, ठीक है। कुछ भी नहीं करोगे ना तब भी बहुत एक्टिविटी है लाइफ में, आपकी बहुत भसड़ है। तो अगर आपको 2-3 हफ्ते का ब्रेक मिल जाता है जिसमें आप कुछ टूरिस्टिक नहीं भी कर रहे हो, आप सिर्फ इंडिया से बाहर बैठे हो, आप वहाँ पे एक एयरबीएनबी लेके बस रह रहे हो लिटरली, ठीक है, वो भी आपको बहुत डिस्ट्रेस करता है मेरे को लगता है। एंड मैं तो बहुत ही फैनेटिक हॉलीडे वाला बंदा हूँ, मतलब मैं हर साल वेकेशन पे जाने ही जाने वाला हिसाब है और 3 हफ्ते के लिए जाने ही है चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो ये सब, ये हसल कल्चर और वर्क लाइफ बैलेंस और ये सब के बारे में क्या सोचते हो आप? क्योंकि ऐसे फेजेस होते होंगे जहाँ पे आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो एंड लाइक इफ़ यू डोंट पुश फॉर इट आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। सो नहीं यार, वो सी आपका वो इंटरनल कंपस है, ठीक है। आपको अपने आप को ऑनेस्ट रहना है कि आप जितना एफर्ट चाहिए किसी चीज़ के लिए आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बट मैं वो वाला बंदा ही नहीं हूँ जो बोलता है कि जी छुट्टी मत करो, पूरे वीकेंड भी काम करते रहो, रात को 10 बजे से पहले ऑफिस से मत आओ। कोई मतलब ही नहीं है, एवरीथिंग इज आउटकम ड्रिवन। इंडिया में चैलेंज क्या है, लोग ना एफर्ट गिनवाते हैं, एफर्ट गिनवाते कि जी मैं तो 2 घंटे ट्रेन से राइड करके आता हूँ। भाई वो 2 घंटे मेरे काम में कैसे वैल्यू ऐड करेंगे मेरे को नहीं पता, ठीक है। राइट। मैं तेरे लिए फील करता हूँ, टू बैड फॉर यू अगर तुम गुड़गांव नोएडा कर रहे हो या लाइक थाने साउथ बॉम्बे कर रहे हो। राइट। बट वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा ना। बट लोग अपना हिसाब रखते हैं कि मैं घर से कब निकला और मैं घर वापस कब आया। मैं वैसे हिसाब ही नहीं रखता, मेरे को ये आउटकम ड्रिवन होना चाहिए। भाई तुम चाहे 2 मिनट काम कर लो या तुम 20 घंटे काम कर लो, अगर 2 मिनट में भी काम निकल रहा है तो तुम्हारे पास बाकी 20 घंटे मस्ती मारने के लिए है ना। राइट। तो मैं उसको ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं समझता। मेरे को जीरो गिल्ट है ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ टाइम में जो आपको डिस्ट्रेस करता है वो जब आप काम कर रहे हो वो आपको कहाँ पे वैल्यू ऐड कर रहा है उस वो समझो आप। राइट। तो बैक टू बैक काम करते रहो, घिसाते रहो, मरवाते रहो, वो वाला मैं बिलीवर नहीं हूँ। तो ये सब लिंक्डइन में सब फाउंडर आके बोलते हैं कि तो घिसाना तो पड़ता ही है, एक अगर यूनिकॉर्न बनाना है तो घिसाना तो पड़ता ही है, तुम्हें रातें अपनी ख़राब करनी पड़ेगी, देर इज़ नो अदर वे आउट, उनको क्या कहना चाहोगे आप? नहीं यार, मे बी दैट्स व्हाट वर्क्स फॉर देम, मेरे लिए तो वो काम नहीं करता। मतलब आई ऑलवेज बिलीव इन वर्किंग स्मार्टर देन जस्ट सिंपल हार्ड। और लेबर वाला काम क्यों करना है आपको? अब घंटे पे तो आप लेबर पे चले गए ना। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपको एंटरप्राइज वाला काम करना है। एंड फंडामेंटली द फाउंडर हैज टू बी सुपर लेजी यार। ये जरा बताएंगे फाउंडर लेजी कैसे हो सकता है? फाउंडर को तो बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है। नहीं नहीं, आप मेहनत इन द सेंस आपको मेंटल मेहनत करनी है। आपको मार्केट में प्रोडक्ट उतारना है, आपको अपनी फिजिकल मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। आप तो सुपर लेजी होने चाहिए। अगर आप सुपर लेजी नहीं हो आप दूसरे बंदों से काम ही नहीं करवाओगे, आप सारे काम खुद ही करोगे, ठीक है। एंड दैट्स वेयर मतलब आपकी रियल फाउंडर वाली स्किल तो कहीं डेवलप ही नहीं हुई या उभर के ही नहीं आई। आप एग्जीक्यूशन ऑपरेशंस में ऑपरेशन में घुसे हुए हो आप, कोई लगता है मैं सबसे बेटर काम करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, वो फीलिंग ही नहीं आनी चाहिए आपको। तो ये फीलिंग आनी चाहिए बॉस मैं आज 5 मिनट काम किया है बट मेरा सारा काम चल रहा है। राइट। देन यू आर एन एंटरप्रेन्योर। अश्नीर समझिए, आप पे एक आपकी लाइफ स्टोरी पे एक फिल्म बन रही है तो उसमें हीरो कौन प्ले करेगा? हीरो कौन प्ले करेगा? हाँ वो तो डायरेक्टर डिसाइड करेगा। अरे कम ऑन। नहीं नहीं यार, माइक्रो मैनेज नहीं करना है। देखो नहीं नहीं, बताइए आपको कौन लगता है कि आपका जो स्टोरी है, आपकी जो पर्सनालिटी है उसके साथ विच हीरो फिट्स टू प्ले योर रोल? मैंने इतना दिमाग भी नहीं लगाया, मेरे को पता भी नहीं है वेरी फ्रेंकली। बट इन मतलब मेरे को जेन्युइनली लगता है कि किसी को अगर काम सौंपा है तो उसको करने दो ना, ठीक है। तो अगर ये इंटरव्यू आप कर रहे हो, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो फिर क्या फ़ायदा है? आप पूछ रहे हो जो पूछना है। तो वो क्रिएटिव फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने किताब लिखी, मैंने अपने पब्लिशर को ये डिसाइड नहीं करने दिया मैं क्या लिखूँगा। भाई अब किताब मेरी है तो मैं, मेरी कहानी है, मेरे को जो लिखना है मैं वो लिखूँगा।
तो क्रिएटिव फ्रीडम होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो फिर आप माइक्रो मैनेज कर रहे हो. राइट. ये दोगलापन नाम कैसे आया ये किताब का? यार एक तो वो शार्क टैंक में मैंने बोला था, उस पर काफ़ी मीम्स बन गए. फिर मैंने इसको ट्रेडमार्क करा लिया वर्ड को ही, एंड मेरे को पता नहीं था यूज़ कहाँ पे होगा. फिर जब किताब लिखने की बात आई तो मेरे को लगा कि यार कुछ तो डिफरेंट नाम होना चाहिए. तो आप अपने किताब का नाम, मैं अपना नाम रख सकता था जो कि काफ़ी तब भी चल जाता, बिकॉज मेरा नाम भी काफ़ी यूनिक है इन दैट सेंस. एटलीस्ट मैं किसी और अश्नीर को नहीं जानता. राइट. बट मेरे को लगा कि बंदा बोलेगा कि मैंने किताब कौन सी खरीदी. राइट. तो कोई बोले यार तूने अश्नीर ग्रोवर की ऑटोबायोग्राफी खरीदी या पढ़ी, तो थोड़ा बोलने में बड़ा है. राइट. ठीक है, तूने दोगलापन पढ़ी. राइट. तो दूसरे बंदे को भी इंट्रीग होता है, भाई ये क्या है, ये क्या पढ़ने की चीज़ होती है दोगलापन, ये तो करने की चीज़ होती है या की जाती है लोगों पर. राइट. तो थोड़ा सा आपको मार्केटिंग के में ना सोचना पड़ता है कि एक चीज़ ब्रांड बना हुआ है उसको मोनेटाइज कैसे करना है, और जब वो मार्केट में उतरेगा प्रोडक्ट तो उसका नाम कैसे लिया जाएगा, वो ज़रूरी है. राइट. शार्क टैंक के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा. क्यों चूज़ किया था आपने शार्क टैंक पे शार्क बनना ओरिजिनली? लेकिन मैंने चूज़ नहीं किया, उन्होंने मेरे को चूज़ किया. बट मैं इन्वेस्ट करता था तो मेरे को इन्वेस्टिंग के फंडामेंटल्स पता थे, और शार्क टैंक वालों ने कुछ शॉर्ट लिस्ट बनाई थी लोगों की. उन्होंने मेरे से एक जूम कॉल करी, फिर एक क्या बोलते हैं लुक टेस्ट किया कैमरा वैमरा लगा के कि टीवी पे कैसा दिखता है. फिर उन्होंने बोला भाई साहब आ जाओ, तो चला गया. एज सिंपल एज दैट. सो स्टार्टअप फाउंडर से कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर की आपने जर्नी अंडरटेक की, कौन सा काम ज़्यादा सेटिस्फाइंग है और कौन सा काम ज़्यादा ईजी है? मेरे को ये लगता है कि मैं ना थोड़ा रिवर्स क्रोनोलॉजी में क्रिएटिव हुआ. ठीक है, लोग ना थोड़ी यंग एज में ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, फिर वो जब काम धंधे में आ जाते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी किल हो जाती है ओवर टाइम. ठीक. मेरा उल्टा था, मैंने आज तक कोई क्रिएटिव काम नहीं किया कॉलेज में या स्कूल में, और मैं एक बड़ी चीज़ बनाने में या बिज़नेस बनाने में लगा रहा, और बिज़नेस बनाने के बाद फिर जब मेरे को थोड़ा वेला टाइम आया तो मैं क्रिएटिव होना शुरू हुआ. तो मेरी रिवर्स क्रिएटिविटी है इन दैट सेंस. एंड सोशल मीडिया मेरे को लगता है बहुत ही मस्त प्लेटफॉर्म है, बिकॉज उसने डेमोक्रेटाइज कर दिया है. राइट. अभी आपको बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट सेट्स नहीं चाहिए, आपको 10 क्रू नहीं चाहिए कैमरा का, आपको साउंड नहीं चाहिए, आपके हाथ में एक फ़ोन है उससे भी आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो जो कि लोग कंज्यूम करना चाहते हैं आज की डेट में. ठीक है, एक टाइम था जब लोगों को कैंडिडेट कंटेंट में वो क्वालिटी नहीं लगती थी, बट अब वो क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई है. एंड मैं लिटरली जो मैं रील्स वील्स बनाता हूँ या 10-15 मिनट का काम होता है कुल मिला के. ठीक है, हाँ क्रिएटिविटी मेरी होती है, स्क्रिप्ट मेरी होती है. तो कई इन्फ्लुएंसर के साथ भी मैं रील बना रहा हूँ तो उनको लगता है कि वो इन्फ्लुएंसर ने मेरे को स्क्रिप्ट दी होगी, बल्कि उल्टा है. ठीक है, करेक्ट. वो मेरे पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि सर आज क्या बनाना है आप बताओ. तो पहले तो एक घंटा हम लंच कर रहे होते हैं. हाँ. फिर लंच खत्म करने के बाद जब वो डेजर्ट खा रहे होते हैं, मैं सोच रहा होता हूँ कि चलो जब तक तुम कुल्फी खा रहे हो मैं बता सोचता हूँ क्या बना सकते हैं, और ऐसे बैठे बैठे बन जाते हैं. एंड सिंपल है यार, जब कुछ मार्केट में रिसीव हो रहा होता है ना तो फिर तुम्हारे को अंदर से मोटिवेशन भी आता है कि चलो और बनाते हैं या कुछ डिफरेंट बनाते हैं. ये सब मेरे से मच यंगर भी हैं लोग, ऑलमोस्ट हाफ माई एज या हैं, तो यंगर जनरेशन के साथ वैसे ही काम करने में मज़ा आता है. राइट. तो जस्ट हैविंग फन. एंड ठीक है, फन के साथ साथ मिलियन व्यूज भी आ जाए तो अच्छा. हाँ. ये आपने बोला ये जो रिवर्स जर्नी वाला जो आप फंडा बोल रहे हो, हाउ मच ऑफ इट हैज़ टू डू विद द फैक्ट कि आप एक बनिया फैमिली से हो, कि पहले बिजनेस के बारे में सोचा और फिर बाकी क्रिएटिविटी और वो सब एक्सप्लोर करना है, बनिया फैमिली का से आने का क्या इम्पैक्ट रहा? नहीं, मैं बनिया फैमिली से नहीं हूँ, मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, मेरी वाइफ बनिया फैमिली से है. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ द रीज़न कि मैं मेरे को कॉन्फिडेंस आता है बिजनेस करने का इज़ बिकॉज माय वाइफ इज़ सपोर्टिव. बनिया फैमिली से अगर आप आते हो या बिजनेस फैमिली से आते हो, आपको एक चीज़ क्लियर हो जाती है, आप ना एक रेगुलर कैश फ्लो पर डिपेंडेंट नहीं होते. आपको लगता है ठीक है साल में एक बार ही कमाएंगे, बट ठोक बजा के कमाएंगे, एज अगेंस्ट हर महीने तनख्वाह आनी चाहिए, वो फंडे क्लियर हो जाते हैं. राइट. एंड वो अनसर्टेनिटी जो है लाइफ की, आप उसको हैंडल कर सकते हो. राइट. एंड आई थिंक वो बिजनेस में ना वही लोग समझते नहीं है कि बिजनेस इज़ ऑल अबाउट योर एबिलिटी टू टेक रिस्क, एंड एक अनसर्टेनिटी अनसर्टेन एनवायरनमेंट में आप कैसे काम कर सकते हो, दैट इज़ वॉट बिजनेस इज़ ऑल अबाउट. एंड वो बी स्कूल्स भी नहीं सिखाते. ठीक है, आपको
एक रेगुलर कैश फ्लो, डाइवर्सिफिकेशन, ये सब चीज़ें सिखाते हैं, उनसे पैसा थोड़ा ना बनता है यार। पैसा तो रिस्क लेके बनता है। आपने अपनी बीवी की बात की, ये भी तो बहुत ही रिस्की वेंचर होता है टू पिक अ लाइफ पार्टनर के, तुम्हारा जीवन साथी कौन होना चाहिए, तो आपने ये सिचुएशन को कैसे अप्रोच किया था अपनी जर्नी में? तो यार मैं अपनी वाइफ को मिला था फोर्थ ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में, जब मैं फ्रांस से वापस आ गया था। तो मैं करियर लॉन्चर में जाता था फॉर कैट प्रिपरेशन, तो मेरी वाइफ भी वहीं पे आई एंड मैं वो करियर लॉन्चर में गया ही बंदी ढूंढने था, मेरे को था कि बॉस कैंपस में तो कोई गर्लफ्रेंड थी नहीं, तो अब कहाँ इसके बाद मैंने आई एम। तभी जेंडर रेशियो क्या था आईआईटी दिल्ली का आपके टाइम में? बहुत ही खराब था यार, आई थिंक इन अ बैच ऑफ 40-50 पीपल 2-3 फीमेल्स, 5% हो गया। सो इसीलिए आपने एमबीए कोचिंग ज्वाइन किया ताकि देयर इज अ वाइडर पूल, करेक्ट, वाइडर एड्रेसेबल ऑडियंस। हाँ बिल्कुल, एंड वो भी उस वाले सेंटर में जाता था जहाँ के आसपास गर्ल्स कॉलेजेस बहुत सारे थे, तो बंदियाँ नॉर्मली वहीं से आती थी। सो दैट्स वेयर आई मेट माधुरी, बट समहाउ मेरे को पता था कि शी इज़ द वन, मतलब मेरे को पहली बारी से ही पता लग गया था। मैंने तो अपने दोस्त को भी बोल दिया था, देखियो इससे शादी होएगी, एंड मेरा दोस्त भी घबरा गया कि भाई क्या बोल रहे हैं, मतलब मोहब्बत में आ गया तू बहकावे में, बट हुई तो उसी से इवेंचुअली। तो फॉर मी इट वॉज अ वेरी वेरी ईजी डिसीजन, राइट। मेरे को लगता है आज की जनरेशन में लोगों को कमिटमेंट फोबिया है मेजर। क्यों है कमिटमेंट फोबिया आज की जनरेशन? ऑप्शंस बहुत है ना, मतलब मेरे को लगता है लोगों को लगता है टिंडर है तो शादी क्यों करनी है, राइट। मतलब मेरे को क्या मिल रहा है शादी करके, लाइबिलिटी मिल रही है ना। कोई पॉजिटिव साइड तो मेरे से बची नहीं हुई, तो इन जनरल फोबिया है लोगों को कमिट करने के लिए। आप मतलब जेन ज़ी को इन जनरल भी देखोगे, उनको सारी ऑप्शंस ओपन रखनी है, क्लोजिंग एन ऑप्शन समझ नहीं आता उनको। बट लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइजिंग ऑप्शंस, नो, इट्स नॉट अबाउट सेइंग कि हाँ मेरे पास सब ऑप्शन हर टाइम पे ओपन है। तो वो नई जनरेशन का डिलेमा है थोड़ा। थोड़ा एग्जांपल्स देंगे कहाँ पे एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन वैल्यूएबल प्रूव होता है? नहीं मतलब हर चीज़ में ना, कि आपको बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको पढ़ाई क्या करनी है, ठीक है। आप कोर्सेज भी मिक्स लेते हो, कुछ साइंस के कोर्सेज लोगे, कुछ म्यूज़िक के कोर्सेज ले लोगे बीच में, ठीक है, राइट। तो मतलब आप करना क्या चाहते हो यार? म्यूज़िक करना तो म्यूज़िक कर ले, साइंस करनी है तो साइंस कर ले, नहीं करनी तो कॉमर्स कर ले या आर्ट्स कर ले, राइट राइट। तो वो आजकल लोगों के पास ऑप्शन है तो वो कोर्सेज भी ऐसे डिज़ाइन करने लग गए हैं, मतलब लोग 10th 12th में अजीब अजीब से कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ठीक है, जो समझ ही नहीं आता कि कॉमर्स है या साइंस है या दोनों में से कुछ भी नहीं है। यू नो उनके कपड़ों की चॉइसेस में, राइट, नहीं समझ आ रहा भाई फॉर्मली ड्रेस्ड है, इनफॉर्मली ड्रेस्ड है, कैजुअली ड्रेस्ड है, पार्टी के लिए ड्रेस्ड है, राइट राइट। तो स्नीकर्स कुछ और होंगे, ऊपर कुछ और पहना होगा। अब मुझे तो ताना नहीं मार रहे हो ना? नहीं नहीं ठीक है। तू तो पूरा झोले वाला बाबा, तो दाढ़ी के साथ जाता है ना ये बंद गला वाला सूट। तो इन जनरल मेरे को लगता है थोड़ा न्यू जनरेशन की ना थोड़ी कंफ्यूज जनरेशन है, एंड कंफ्यूज इसलिए वो ऑप्शंस बहुत हैं। हमारे टाइम में थोड़ा सिंपलिस्टिक लाइफ थी। अश्नि अब एक क्विक रैपिड फायर खेलेंगे, क्योंकि अभी करण जौहर के वजह से सभी लोग रैपिड फायर तो खेलते ही है, ठीक है। मैं आपको थोड़े सवाल पूछूंगा, क्विकली मुझे आंसर दीजिए, वन वर्ड आंसर्स, ठीक है। IIT या IIM? IIT। अहमदाबाद या दिल्ली? दिल्ली। PC ज्वेलर्स या कोटक? कोटक। दीपेंद्र गोयल या विजय शेखर शर्मा? विजय शेखर शर्मा। ये अब मैं इंडस्ट्रीज बोलूँगा, आप एक वर्ड में आप क्या फील करते हो वो इंडस्ट्री के बारे में ये बताइए। फिनटेक। ओवरवैल्यूड। एडटेक। सुपर ओवरवैल्यूड। D2C। D2C यार नॉर्मल ब्रांड है और क्या है, मतलब खुद की ब्रांडिंग कर दी उन्होंने D2C बोल के। गॉट इट। B2B SaaS। मेरे को लगता है अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस वहीं से निकलेगा। ऑलराइट। कुछ और वर्ड्स है, शार्क टैंक। पास्ट। ओके। शुगर या मामा अर्थ, विच इज़ द नेक्स्ट नाइका? नाइका प्लेटफॉर्म है यार, ये दोनों तो ब्रांड्स हैं। हाँ लाइक वो थोड़ा सा और बताइए, शुगर मामा, शुगर वर्सेज मामा अर्थ। पता नहीं है, मैं ना मैं मेकअप लगाता हूँ ना मैं मामा अर्थ के प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, मेरे को पता नहीं है। ओके। ये दिल्ली के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बॉम्बे बैंगलोर वाले इतना गाली क्यों देते हैं? जलते हैं उससे। ओके। नास्तिक या आस्तिक? नास्तिक।
क्यों? अभी नॉर्मल ओपन डिस्कशन करते हैं, मतलब आप क्यों बिलीव नहीं करते गॉड में? स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता हूँ, मतलब आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करता. वो डिफरेंस है. लोगों को लगता है कि मंदिर जा रहा है, टीका लगा के आया है, नहीं आया, वो सब मेरे से नहीं होता है. स्पिरिचुअलिटी में मैं बिलीव करता हूँ. स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प करती है एज अ स्टार्टअप फाउंडर? नहीं यार, इतना स्पेसिफिक कुछ नहीं होता. मतलब स्पिरिचुअलिटी कोई वो टूल थोड़ना है कि जिससे मैं कुछ अचीव कर लूँगा. वो तो एक स्टेट ऑफ बीइंग है, तो वो इन जनरल वे ऑफ लाइफ है. आई डोंट थिंक उसको ऑब्जेक्टिव किसी चीज़ में हेल्प करना को होना चाहिए. राइट. सो मैं अभी स्टार्टअप जार्गन के कुछ वर्ड्स बोलूँगा, आप अपने लैंग्वेज में बताइए आप क्या सोचते हैं उनके बारे में. पहला है यूनिकॉर्न. यूनिकॉर्न यार कुछ नहीं, मतलब 8,000 करोड़ के ऊपर की अगर आपकी वैल्यूएशन है तो यूनिकॉर्न बोलते हैं उसको, और US से वर्ड आया हुआ है. बट मिथिकली है वो, भी मिथिकल क्रीचर है, ये भी मिथिकल क्रीचर है. एंड ऑफ द डे घूम फिर के कैश फ्लो पे बात आ जाएगी एक दिन. राइट. प्री मनी वैल्यूएशन. प्री मनी वैल्यूएशन का यार लोगों को चमकता नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. प्री मनी वैल्यूएशन वो वैल्यूएशन है जिसपे आप पैसे उठाना चाहते हो. जितने पैसे उठा रहे हो वो राउंड साइज होता है, और पोस्ट मनी वैल्यूएशन होती है प्री मनी प्लस राउंड साइज इज इक्वल टू पोस्ट मनी वैल्यूएशन. ओके. सीड फंडिंग. सीड मतलब वो तो यार समझ नहीं आता, ये सीड, प्री सीड, पोस्ट सीड, प्री सीरीज है, पोस्ट सीरीज है, मतलब सिंपल सी कहानी है. पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड. वो ये भी US वालों ने मार्केटिंग अच्छी कर दी है तो सब ये कर रहे हैं कि मैं प्री सीड रेस कर रहा हूँ. मतलब वो, एंड वो भी थोड़ा अगेन वो जेंजी वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई तू कर, जो रेस कर रहा है वो ए ही है, बट तेरे को कमिट नहीं करना है कि मैं ए रेस कर रहा हूँ, तो उसको प्री सीरीज ए बोल रहा है, प्री सीड बोल रहा है. गॉट इट. मार्केट पेनिट्रेशन. मार्केट पेनिट्रेशन यार कि कितना मार्केट शेयर ले लिया, मतलब मार्केट शेयर बोलते थे पहले, पेनिट्रेशन बोलते हैं. ये स्टार्टअप्स वाले डेजिग्नेशंस, पहले मार्केटिंग हेड्स हुआ करते थे, अब ग्रोथ हेड्स होते हैं. डोंट दे डू द सेम थिंग. यार डेजिग्नेशन मेरे को वैसे नहीं समझ आती. आप डेजिग्नेशंस के बारे में क्या सोचते हो जनरली? यार सब फालतू का आप नामकरण कर रहे हो काम का, इसका कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, मेरे को लगता है कि अब किसी की जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब रोल में क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. डेजिग्नेशन में क्लैरिटी होने का कोई मतलब ही नहीं है. प्रॉब्लम क्या होती है, लोग डेजिग्नेशन में क्लैरिटी रखते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, और उसमें काम करेगा क्या बंदा वो किसी को पता ही नहीं है. तो मैं तो अपने जो नेक्स्ट बिजनेस में क्लियर है, किसी की कोई डेजिग्नेशन ही नहीं है. अश्नीर, फेसबुक और अमेजोन भी लोग ले ऑफ करने लगेंगे तो फिर जॉब्स का क्या सीन होगा इस साल? यार जॉब्स का सीन तो बुरा ही है, एंड उसका रीज़न ये है कि पहले इनडिस्क्रिमिनेट हायरिंग हुई है. लोगों की सैलरी अनजस्टिफाइबली इन्फ्लेट हुई है पिछले 2-3 साल में, और अब मार्केट से जब पैसा बाहर निकला है तो ये दोनों चीज़ें सॉल्व होंगी. ठीक है, तो लोगों की नौकरियां भी जाएंगी और सैलरी भी कम होएगी, ये तो फैक्ट है. अब आप उसको लेके रोना है तो रो लो, बट होने तो वाला है. तो ऐसे टाइम में एक प्रोफेशनल को क्या करना चाहिए जो काम कर रहा है कंपनी में, इस डर में है कि वो फायर हो जाएगा, उसको किस तरह से इस सिचुएशन में? ये डर तो आपके पास तभी होता है अगर आपको लग रहा है कि आप वैल्यू नहीं दे रहे हो. अगर आप काम करते हो, आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका काम अच्छा है और आप इवॉल्व कर रहे हो और आपकी वजह से कंपनी का काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, फिर किस बात का डर है? डर तो कहीं पे तभी आता है ना जब आपको लगता है कि आपका काम सब पार है, या आपको लगता है यार मेरा काम तो कोई भी और कर सकता है, या मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है. तो डर तो वहाँ से आता है, तो जस्टिफाइड डर है. इस रिसेशन में किस तरह के एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होंगे? क्या देखो, जिनमें रेजिलियंस है कि वही सक्सेसफुल होंगे. जो एंटरप्रेन्योर बने या फाउंडर बने ये सोच के कि जी एक्सेल शीट तो ऊपर की तरफ ही जाती है एक ही डायरेक्शन में, उनकी तो लगने वाली है. जो कि अक्रॉस साइकल्स खेलने वाले लड़के हैं, जिनको पता है कि यार अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, एंड बुरे दिन में भी धंधा बनता है, ऐसा नहीं कि बनता नहीं है. हाँ ठीक है, आपको उसकी वैल्यू नहीं मिलती उस टाइम पे, बट रियल बिजनेस बैड टाइम्स में ही बनता है. तो जो मल्टीपल साइकिल्स खेलने वाले जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सर्वाइव करेंगे, जो बुल साइकिल वाले एंटरप्रेन्योर्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे. ओके. मनी वर्सेस फेम, कौन सी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है?
दोनों ही अच्छी लगती हैं मेरे को, मतलब ऐसे एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इनफैक्ट बहुत ही कोरिलेटेड चीज़ें हैं, फेम से मनी आता है, मनी से भी फेम आता है, दोनों ट्रू है। एंड मेरे को ये नहीं लगता कि आप आपके पास चॉइस होती है, यू नो जहाँ पे आपके पास पैसा आएगा फेम आपको अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, तो आप इसमें प्योरेस्ट व्यू नहीं ले सकते कि फेम गलत चीज़ है, पैसा अच्छी चीज़ है, ऐसा मैं नहीं मानता। मेरे को दोनों चीज़ें इक्वली अपील करती हैं। आपको जब लोग कंट्रोवर्शियल बुलाते हैं आपको कैसा फील होता है? कंट्रोवर्शियल तो उनके दिमाग में मैं हूँ ना, मेरे दिमाग में तो सब क्लियर है। तो सी लोगों को क्या है कि आपके अगर आपके अगेंस्ट कुछ प्रेस में लिख दिया गया, आपके अगेंस्ट कुछ एलिगेशन उठा दी गई, उससे कोई कंट्रोवर्शियल कैसे हो जाता है, राइट? मैं तो मेरा तो सिंपल है कि आप मेरे से अपनी डीलिंग की बात करो। अगर आप मेरे सामने बैठे हो, आप मेरे से बात कर रहे हो, आपको मेरे बारे में क्या लग रहा है, दैट इज़ द ट्रू इमोशन ना। प्रेस क्या बेच रही है आपको, वो तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें बेचेगी, ठीक है, एक टाइम पे आपको हीरो बनाएगी, एक टाइम पे विलन बनाएगी। तो मेरे को कई बार आगे लोग ये भी पूछते हैं कि हाउ आर यू होल्डिंग अप, मैं पूछता हूँ होल्डिंग अप वॉट, मतलब मैं तो दारू पीता नहीं, मैं तो ग्लास भी नहीं पकड़ा हुआ, ठीक है, तो क्या मतलब। तो कई बार लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, और मेरे को लगता है मेरी लाइफ में कुछ जितना कुछ चल ही नहीं रहा है, मतलब ये लोग ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। सो आई थिंक मार्केट ओवर थिंक्स, राइट? आई एम वेरी वेरी कम्फर्टेबल वेयर आई एम। व्हाट नेक्स्ट, यहाँ से कहाँ जाना है? कहीं नहीं है, होटल जाना है मेरे को, तो कहाँ जाना है। अब क्या करना है करियर में, क्या मतलब एट दिस स्टेज इतना पैसा कमा लिया, वैल्यू क्रिएट कर ली, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, अब किस तरह का हंगर जागता है? नहीं यार, बिजनेस करना है और तो वो करना ही है, वो मेरे को क्लियर है। टीवी का मेरे को कोई शौक नहीं है इंक्रीमेंटली, मतलब मेरे को नहीं लगता कि मैं अपने आप को टीवी में देखता हूँ एट एनी टाइम सून। एक शो करना था, कर लिया, उसकी टाइमिंग अच्छी थी, वो हो गया। बट अभी कोई मेरा ऐसे एस्पिरेशन नहीं है टू बी सीन ऑन टीवी। सोशल मीडिया में आई विल ऑलवेज ट्राई टू बी रेलेवेंट, बिकॉज मेरे को मज़ा आता है वहाँ पे। बाकी एट द राइट टाइम पॉलिटिक्स करना है, उसमें जाएंगे। पॉलिटिक्स क्यों करना है, क्यों नहीं करना है? भाई तुम हर बंदा तुमसे तुम किसी बंदे को पूछते हो कि यार तेरे को नौकरी क्यों करनी है, तो बिजनेस क्यों करना है, तेरे को प्रोफेशनल क्यों बनना है, तो मेरे को लगता है वो पॉलिटिक्स को लेके एक ये ना एक एटलीस्ट एजुकेटेड इंडियंस में एक धारणा है कि बहुत ही गंदा काम है, ठीक है, मतलब पढ़े लिखे लोगों वाला काम नहीं है ये, तो मतलब गंद मचाने वाले लोगों का काम है या डिवाइसिव लोगों का काम है। मेरा वो व्यू नहीं है। मेरे को ये लगता है कि वो तो आपके ऊपर, आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हो पावर को, राइट? ढंग से यूज़ करोगे तो सुपर क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हो, ढंग से नहीं यूज़ करोगे तो बहुत गंद भी मचा सकते हो, तो वो आप पे इंडिविजुअली डिपेंड करता है। बट मैं पॉलिटिक्स को नेगेटिव कॉनोटेशन से नहीं देखता, मैं पॉलिटिक्स को बहुत ही पॉजिटिव कॉनोटेशन से देखता हूँ। और मेरे को जेन्युइनली ये लगता है यार कि लाइक एक कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे एवरेज एज बिलो 30 है, वहाँ पे यू नो पॉलिटिक्स की एवरेज एज अबव 60 कैसे हो सकती है? तो जो ये बीच वाले एज के लोग हैं बिटवीन 30 to 60, इनको इंक्रीजिंगली पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तभी थिंग्स इम्प्रूव होंगी, क्योंकि वरना जनरेशन गैप है, राइट, पॉलिटिक्स में और एक्चुअल जो मार्केट है उसमें। तो दोस्तों ये था हमारा पहला एपिसोड। मैं चाहता हूँ कि आप कुको FM डाउनलोड करें और दोगलापन जैसी हज़ारों किताबें सुने और शुरू करें अपनी कामयाबी की तैयारी।